तो दोस्तों ये बोया का M1 Pro माइक है। आपके पास खाली M1 माइक होगा। इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी कैसी है, नॉइज़ कैंसलेशन कैसी है, सब कुछ आपको बताएंगे। प्रोफेशनल ऑडियो सॉल्यूशन। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट से। बोया के दो स्टिकर हैं यहाँ पर, इसको हम साइड में रखते हैं। ये बोया का कुछ पेपर वर्क है, आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हो। उसके बारे में लिखा हुआ है, माइक के बारे में, 1.2.3 कहाँ पर है, यानी फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। बाकी बोया माइक के अंदर क्या कुछ बिल्ड है, ये सब क्वालिटी इसके अंदर लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बोया की तरफ से इस तरह का पॉकेट, जैसे आप देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा केस है। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर बोया का ये हमें कुछ मिला है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिला है, इसे हम स्कैन भी कर सकते हैं तो सर्टिफिकेट आ जाएगा। उसके बाद इस तरह का माइक है। सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का एक्सेसरीज मिलती हैं बोया माइक की तरफ से, यानी कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज मिलती हैं, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको जो आपकी यानी कि विंड आएगी उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर फॉर्म दी गई है, और ये आपको क्लिप दी गई है, और ये आप लैपटॉप वगैरह में इसे यूज़ कर सकते हो, अदर जहाँ पर ये डिवाइस लगेगा। उसके बाद माइक कुछ ऐसा है, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर वो होल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप अपना हेडफोन लगा सकते हैं, और यहाँ पर इसे हम ओपन करेंगे आपके सामने। तो यहाँ पर हमें बैटरी भी दी गई है, जैसे आप देख रहे हैं, तो आप बैटरी देख सकते हैं। तो अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बैटरी की ज़रूरत नहीं है, यानी जो सेल आपको यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप कैमरे में यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सेल लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कैमरा का, ऑप्शन मिलता है कैमरा स्मार्टफोन। अगर आप स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इसको नीचे की तरफ करें, और अगर आप कैमरा मोड पे हैं तो आप कैमरा यूज़ करते हैं तो आप इसे ऊपर करें, तो ये फिर कैमरे पे चलेगा। और अगर आप मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहे हैं तो आप इसको नीचे करें। इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद ये ऑप्शन है आपका साउंड का, इसे आप ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर ये स्कैनर दिया गया है, तो जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और वायर की जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो ये माइक का साइज़ है आप देख सकते हैं, माइक का साइज़ ऊपर के होल हैं, और ये जो आपको फॉर्म दी गई है तो आप इसे ऊपर यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं, ताकि कोई भी जैसे कि हवा चलती है तो उसको ये काफ़ी अच्छी आवाज़ को फिल्टर करके आपके पास भेजता है। और अब हम इसे फ़ोन में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप साउंड क्वालिटी खुद देख लेना कि साउंड क्वालिटी कैसी है। तो गैस, आपके सामने जो अभी हमने अनबॉक्सिंग किया है बोया का M1 Pro माइक, तो वो ये माइक है, और हमने इसको फ़ोन में लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही है। और अभी मैं बाहर बैठा हूँ, यानी कि अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, बाहर हूँ वातावरण में। तो यहाँ पर आप इसकी आवाज़ जो साउंड की क्वालिटी है वो चेक कर सकते हैं कि कितनी नॉइज़ आ रही है और मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है। इसके अलावा इसके अंदर आपको माइक के अंदर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, यानी कि इसमें दो ऑप्शन था, कैमरा और स्मार्टफोन। मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास कैमरा है तो कैमरे पे ऑन करें। उसके बाद यहाँ पर साउंड की यहाँ पर ऑप्शन मिलता था 0 से -10 यानी -10 dB। तो हमें ये 0 पे किया हुआ है आपके सामने, और अभी हम इसको यहाँ पर नीचे की तरफ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखना कि कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो हमें ये नीचे की तरफ कर दिया है, तो अब मुझे आप बता सकते हैं कि ऑडियो में क्या क्वालिटी आई है, या फिर ऑडियो आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी ये मैं वीडियो बाहर ही शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस बोया M1 माइक में आपको कैसी क्वालिटी देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों ये जो माइक है अभी बोया ने अपडेट किया है, M1 Pro के नाम से निकाला है, तो इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहले बड़े दिख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ताकि हम जैसे ही वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।